और एक इनकी खास बात मैं बताता हूँ, इनको गुस्सा आ सकता है अभी मैं जब बना रहा हूँ ये, क्योंकि मैं बनाऊंगा उचक बुचक। तो यहाँ पर अभी आशी भाई के पास आ चुके हैं और ये यहाँ पर आशी भाई सफीक चाचा भी बैठे हैं। सफीक चाचा अभी ट्रीटमेंट करने आए हुए हैं रशीद भाई जी को, अभी मुकरनगढ़ दिखा के लाए हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर की छत पे और आप एक बार नज़ारा देखिए मौसम का, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। तो आज बबलू है वो आ चुके हैं बाहर से, विदेश गए हुए थे और यहाँ पर रिजवान खान है, ये यहाँ पर मीट ले रहे हैं मटन। और मटन कितना लेने आए? 1 किलो। कितना एडी? 1 किलो लेने हैं। और 1 किलो? और 1 किलो में मतलब इनके घर में मेंबर कितने हैं? इनके घर में मेंबर है 27। कम से कम 27। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं नज़र, आज बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार मौसम। और ये देखिए, ये जो आप ज़मीन गीली दिख रही है ये बारिश की वजह से नहीं है, इसको मैंने अभी भिगोया है तो ताकि मिट्टी वगैरह नहीं उड़े, क्योंकि जब मैं उठाता तब मिट्टी उड़ रही थी तो उसको बंद करना ज़रूरी था। और अभी हम चलते हैं आशिफ भाई के पास, आशिफ भाई क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो ये यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये अदनान देखिए, और ये इकबाल चाचा हैं, यहाँ पर काम लगे हुए हैं सुबह से, नाला बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ बनाए कट बनाए अदनान, हाँ। तो मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है। तो ये है अपने रशीद भाई जी के घर, और रशीद भाई जी हैं जो कि उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उनको चूड़ियाँ जीतगढ़ दिखाने गए हुए हैं वो। तो यहाँ पर अभी आशी भाई के पास आ चुके हैं और ये यहाँ पर आशी भाई सफीक चाचा भी बैठे हैं, सफीक चाचा अभी ट्रीटमेंट करने आए हुए हैं रशीद भाई जी को, अभी मुकरनगढ़ दिखा के लाए हैं, आज बीमार हो गया। अंकल और सुनो। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर की छत पे और आप एक बार नज़ारा देखिए मौसम का, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार आज का जो मौसम है वो हो रहा है। और ये आप एक बार पूरे गाँव की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ से पूरा गाँव दिखाई दे रहा है। और एक बार मैं इसके ऊपर और चढ़ता हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही गजब, और ये गांव की मस्जिद है, मस्जिद का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है यहाँ से। और ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे खेत में है, और हमारा खेत हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल में, और वहाँ जाके वहाँ की जो भी एक्टिविटी है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अपनी पेस्टी खड़ी है दो दो, ये अपनी पुरानी पेस्टी है और ये नई वाली पेस्टी है। तो ये अभी मैं मेडिकल में आ चुका हूँ और यहाँ पर आज बारिश की वजह से ये कीचड़ देगी कितना हो चुका है। और यहाँ पर बच्चे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से हम यहाँ पर रोज़ शाम को रात को वॉलीबॉल खेलते हैं, ये नेट लगाई है अभी जस्ट ही 4-5 दिन पहले ही। तो आज बबलू है वो आ चुके हैं बाहर से, विदेश गए हुए थे कतर, तो कतर से आ चुके हैं। और अभी मैं और बबलू जा रहे हैं घर के बबलू के, वहाँ पर ये इत्र लेके आया मेरे लिए तो बहुत ही शानदार, वो देखते हैं कैसा है क्या है, वो लेते हैं वहाँ पर लाके। तो अभी बबलू ने ये इत्र निकाल के दे दिया है तो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है मुस्क साफी। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार, और बाकी तो लगाने के बाद में पता चलेगा कैसा है। तो ये इत्र है, इसको ओपन करते हैं। ये हो गया ओपन और बहुत ही गजब इत्र है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार। और इसको बोलते हैं मुस्क साफी, और हरभजन सिंह ने भी इसका एडवर्टाइजमेंट किया था, अभी बबलू बता रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही गजब। और ये कंपनी है नसीम कंपनी का है ना, नसीम कंपनी का है, बहुत ही शानदार इत्र। तो अभी इसको हम पैक कर लेते हैं। एक इत्र और भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो इत्र है हमारे पास, एक ये है ऊद अभियान, इसको भी ओपन करके देखते हैं कैसा है।
ये देखिए बहुत ही गजब पैकिंग, देखिए कितनी शानदार पैकिंग है, बहुत ही गजब। ये कहाँ से ओपन होता है देख लेते हैं, ओपन कर रहा हूँ ऊपर से। अच्छा तो इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा तो इसकी आप पैकिंग देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गजब पैकिंग लग रही है। तो आज मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा है और ये अपने साजिद खान, जाबू, रिजवान और एडी अदनान और बेड़ी और ये अपने इमरान खान की दुकान। हाँ जी क्या बैठे हो, बहुत तगड़ी स्टाइल में बैठे हो यार, मान गया। ये इमरान की जनरल स्टोर है, आप देख सकते हैं इमरान, इनके नंबर जो है 95-71-786-469। जनरल स्टोर हमारे यहाँ पर हर समय थोक में अंडे मिलते हैं, वाजिब रेट पे मिलते हैं। गर्मियों में अंडा किने खुलासी खुलासी अंडा। और एक इनकी खास बात मैं बताता हूँ, इनको गुस्सा आ सकता है अभी मैं जब बना रहा हूँ ये, क्योंकि मैं बनाऊंगा उचक बुचक और इनको गुस्सा कभी भी आ सकता है। शानदार काम, जानदार इनका काम चलता है और ऐसे वैसे इंसानों को तो ये मुंह भी नहीं लगाते हैं। देखिए देखिए ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। और ये है आरिफ खान जी, इनके बारे में मैं क्या ही आपको बताऊं। ये देखिए इनका मुंह देखकर आप बता सकते हैं कि ये कैसी कैसी राजनीतियां खेल जगत के अंदर इन्होंने की है, कैसी कैसी राजनीति इन्होंने खेल जगत में निभाई है। और ये हमारे सऊदी हैं, 26 देख रहे हैं लेकिन फिर वापसी करने की उम्मीद है इनकी। ठीक है, उम्मीद है हमें कि ये ही हमारे एक अच्छे गेंदबाज हैं, थे और रहेंगे। और ये हमारे युवा खेलें देखिए, और ये इनके बारे में तो कुछ ना कहें तो ये अच्छा है, बहुत शानदार। और मैं तो 0-0 और ये रिजवान का हमारे गांव के ओपनर, हर जगह डक पे आते हैं, अब 3 गेंदों में 0, 8 गेंदों में 0, 13 गेंदों में 0, अब इनका देखते हैं कम बैक होता है या नहीं होता। तो ये है अपने मुस्तफा की दुकान, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर रिजवान का है, ये यहाँ पर मीट ले रहे हैं मटन, और मटन कितना लेने आए हैं, 1 किलो। कितना एडी, 1 किलो लेना है और 1 किलो। और 1 किलो में मतलब इनके घर में मेंबर कितने हैं, कम से कम 27 मेंबर 1 किलो। हाँ सही है, तो बहुत बढ़िया है, 1 किलो बहुत ज़्यादा है। सराहे नहीं है तो आप पूरा खा लोगे और खाने के बाद में थोड़ा बहुत बचेगा वो पड़ोसियों को दे दोगे और फिर दूसरे दिन और खा लोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसियों को। तो अभी इमरान की दुकान आपको एकदम शुरू से दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो इमरान की दुकान का जो फ्रंट लोकेशन है, और इसके अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद में ये यहाँ पर फ्रीज है, और फ्रीज में यहाँ पर आपको जितनी भी प्रकार की आइसक्रीम है, आइसक्रीम और पेप्सी वगैरह जितनी भी होती है वो सारी मिलेंगी यहाँ पर। और ये देखिए फ्रूटी वगैरह लगा रहे हैं, और तो ये यहाँ पर मैगी लगी हुई है, इसके अलावा बिस्किट्स जितने भी बिस्किट्स हैं, और ये बच्चों के लिए टॉफियाँ वगैरह, और ये यहाँ पर लॉजी वगैरह जितने भी सामान है यहाँ पर आपको मिलेगा। और अभी इमरान भाई यहाँ पर फ्रीज में फ्रूटी और जो कोका कोला थम्सअप ठंडा वगैरह हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं अंदर से दुकान, हालांकि इससे पहले भी एक बार आपको दिखा दिया है सारी चीज़ें, लेकिन एक बार फिर से इमरान भाई के जो आदेश से एक बार फिर से इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पीछे का जो गोडाउन है, गोदाम, ये देखिए एक बार, गोडाउन फुल है सामान से, आप देख सकते हैं। और अच्छा दूध दही, ये देखिए यहाँ पर आपको दूध लोटस का और दही भी, और उसमें अंदर आगे क्या है, ये छाछ, अच्छा दही है, ये नहीं दही है ये, तो आप देख सकते हैं दही, लोटस का दही। तो यहाँ पर जितनी भी सुविधा है जो अपने हमको नॉर्मल तौर पे चाहिए वो सुविधा सारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप दुकान, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो एकदम फ्री फ्री होने वाला है। हाँ आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम अंदर से दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रीज में आपको ये यहाँ पर, ये कौन सी आइसक्रीम है, ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गई, और रैया, ये कुल्फी, ओहो ये बहुत ही गजब आइसक्रीम है, मात्र 5 रुपये की आती है ये। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी वाली आइसक्रीम भी मिल जाएगी, ये 10-20 रुपये की आती होगी। तो यहाँ पर जितने भी ब्रांड है, ये कॉर्न वगैरह भी, ये कॉर्न आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये कॉर्न है, तो लगभग ब्रांड है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इमरान भाई के पास। और एक और इसमें खोलते हैं, इसमें केक वगैरह, केक मिलते हैं ना इसमें, और क्या है केक के अलावा, हाँ तो इसमें ये केक है देख सकते हैं आप, बड़े बड़े केक हैं। तो
जो बच्चों के लिए सुविधा है ये पूरी दे रखी है इमरान भाई ने। और यहाँ पर ये सोप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये साजिद और साकिब की चिकन सोप, और ये अपने साजिद आप देख सकते हैं बकरा को भी, और चिकन और मटन दोनों की सुविधा है यहाँ पर है। तो अभी लगभग एक बज रहे हैं और मौसम देखिए आप, बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार मौसम है आज का। और ये अभी खाना खाने जा रहा हूँ मैं लंच करने के लिए। तो यहाँ पर आज जितनी बकरियाँ हैं वो खेतों में जाती हैं अक्सर, लेकिन आज शायद बारिश की वजह से इनको खेतों में नहीं बचाए इनके जो ओनर हैं उन्होंने। ये रूट वाली बस आ गई है, कौन सी है ये, 1 बजे वाली मुकुंदगढ़ जाएगी ये, चौधरी ट्रेवल्स। और ये मोहसिन भाई आप देख सकते हैं अपनी बेटी को खिला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी क्यूट सी बच्ची है। तो अभी चलते हैं घर पे और लंच करने के बाद में वापस आते हैं और आगे की जो भी एक्टिविटी होती है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी लगभग 4 बज चुके हैं और हल्की बूंदाबांदी अभी शुरू हो चुकी है वापस दोबारा, और मैं तो सो गया था खाना खाने के बाद में, तो लगभग 3 घंटे बाद में मैं सो के अभी वापस जा रहा हूँ दुकान पे। आप ये देख सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है दोबारा, इससे पहले भी हुई थी जब मैं सो गया था। तो ये हैं अपने असलम भाई जी और ये है असलम भाई जी की शॉप। तो हल्की बूंदाबांदी अभी जारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी में आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि वैसे तो दिखाई देने वाली है नहीं। तो आज का जो मौसम है सुबह से यही है आप जो देख पा रहे हैं, और बारिश है वैसे ज़बरदस्त बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन ये जो हल्की बूंदाबांदी आपको दिखाई दे रही है ऐसी चल रही है धीरे धीरे कब से। क्यों असलम भाई जी? बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत जोर। और आज मौसम की वजह से जो गोश्त की जो बिक्री है ना वह बहुत बड़े स्तर पर है, देखो थैलियां जा रही है ना बड़े स्तर पर है। और ये अपने साबिर भाई जी है, ये कैसे भी करके व्लॉग में एंटर हो ही जाते हैं। तो दोस्तों 7:41 हो चुके हैं और लगातार 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही है, हालांकि इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे से ऐसे ही हो रही है, तो बाहर कहीं जा नहीं सकते। तो आज के इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और ये आप मस्जिद देखिए। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।